नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैथ में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूँ। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसको दोस्तों आप बिना एक्स माने सॉल्व कर सकते हैं, बिना कुछ माने, बिना पेन उठाए। कैसे? तो प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? प्रश्न को आप थोड़ा सा समझिएगा। यहीं पे दोस्तों मैं लगभग आपका 80% औसत क्लियर कर दूंगा। औसत के प्रश्नों के लिए पेन नहीं उठाया जाता है पेपर में। कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए, इसको ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, मानेंगे एक्स पहला संख्या एक्स, दूसरा संख्या एक्स प्लस टू, तीसरा संख्या एक्स प्लस फोर, चौथा संख्या एक्स प्लस सिक्स, ऐसे मानते हैं। ठीक है, सम संख्या दिया रहता है तो। लेकिन इतना मानने की जरूरत नहीं है, ना पेन उठाने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर आपको दिख जाएगा। कैसे? तो प्रश्न को थोड़ा सा समझिए। यहां कह रहा है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों? 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इस पे तीन चार टाइप के प्रश्न बनते हैं। सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता है, या सबसे छोटी संख्या पूछ लेता है, या पूछ लेता है दोस्तों सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, या पूछ लेगा सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। ये इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों, औसत होता क्या है पहले जान लीजिए। दोस्तों, औसत क्या होता है? औसत होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जो आपका कह रहा है औसत, जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा समझिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा सा समझ लेंगे तो 80% औसत यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा। एक दो तीन, इसका औसत क्या होगा? इसका औसत होगा दो, बिना पेन उठाए बता सकते हैं। कैसे? तो औसत क्या होता है? संख्याओं का योग, यानी कि 1 + 2 + 3, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 क्या, 3 3 3 6, और बटा में संख्याओं की संख्या, कितने संख्या है? 1 2 3, तीन संख्या है तो 3 से भाग कर देंगे, तो 3 से काटेंगे इसको 6, तो कितने बार में चला जाएगा? 2 बार में, यानी कि 3 × 2 = 6। औसत क्या हुआ दोस्तों? 2। हम पहले भी क्या बोले थे दोस्तों? औसत होगा 2। कैसे पता? जो बीच वाली संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, जो बीच वाली संख्या होती है वही होता है औसत। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, बीच वाली संख्या क्या होता है? हमेशा औसत होता है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, देखिएगा, 1 2 3 4 5, इसका औसत क्या होगा? इसका औसत हो जाएगा 3। कैसे पता? क्योंकि ये बीच वाली संख्या है। क्या है दोस्तों? ये बीच वाली संख्या है, इसका औसत क्या होगा? 3। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। चलिए जोड़ते हैं, 1 2 क्या हो जाएगा? 3, 3 3 6 6 4 10, 10 5 क्या होगा दोस्तों? 15। 15 बटा में संख्याओं की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 से 15 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 3। औसत क्या आया दोस्तों? 3। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब तो कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, अभी 3 माने 5 माने ये तो हो गया, ठीक है, यानी कि औसत इसका बीच वाला संख्या 3 हो गया। अगर दोस्तों आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा, अगर 1 2 3 4 इसमें बीच वाली संख्या क्या होगी, 4 संख्याएं हो तो आपके दिमाग में भी आ रहा हो, इसमें बीच वाली संख्या क्या होगी, तो इसमें भी बीच वाली संख्या है। क्या दोस्तों? 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? एकदम बराबर आपको लेना है, 2 और 3 के बीच में आएगा दोस्तों 2.5, इसका औसत होगा 2.5। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे होगा। 1 2 जोड़ेंगे 3, 3 3 जोड़ेंगे 6, और 6 4 जोड़ेंगे दोस्तों 10, और संख्या टोटल कितना है? 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो इसको 4 से भाग करिए, तो यही होता है औसत। 4 से जब भाग करेंगे 10 को तो क्या होगा? 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, यानी कि 2.5 इसका ये आ जाएगा मान। ठीक है, तो यही हो गया औसत। औसत समझ गए? औसत क्या होता है दोस्तों? बीच वाली संख्या होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर जो सम संख्या हो तब, देखिए अगर जो सम संख्या, 4 सम संख्या हो, 2 4 6 8, इसका औसत दोस्तों क्या होगा? 2 4 6 8 का औसत क्या होगा? इसमें बीच वाली संख्या, 4 और 6 के बीच में क्या आएगा? बराबर पे, ठीक है, 4 और 6 के बीच में क्या आएगा? 4 + 6 को जोड़ देंगे, 4 और 6 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 5। 4 और 6 के बीच में आप ऐसे भी सोच सकते हैं, क्या आएगा दोस्तों? 5, इसका औसत 5 होगा। आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं। 2 4 दोस्तों क्या हो जाएगा?
छः, छः छः क्या हो गया 12, 12 8 क्या हो गया दोस्तों 12 8 हो गया 20, और 20 को क्या करेंगे, टोटल कितनी संख्या है, 2 4 6 8 यानी 4 संख्या है, 4 से क्या करेंगे इसको भाग करेंगे, तो 4 5 20 औसत क्या आया दोस्तों इसका 5 आ गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये औसत आप दोस्तों समझ रहे होंगे, औसत होता क्या है, बीच वाली संख्या होता है। अब चलिए अब अपने प्रश्न पे चलते हैं, इतना आपको इसलिए समझाया ताकि लाइफ में आपके कभी भी औसत से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी भी टाइप का प्रश्न आएगा तो बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब ये आपका जो प्रश्न कह रहा है इस पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए औसत क्या कह रहा है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, क्या है दोस्तों 51 है। चलिए 51 के बाद क्या होगा दोस्तों, 51 के बाद सम संख्या कौन आएगा, 52 आएगा, ठीक है। 52 के बाद सम संख्या क्या आएगा, 53 तो नहीं आएगा, 53 विषम है, क्या आएगा दोस्तों 54 आएगा, क्या आएगा 54, यही बड़ी संख्या हो गई। आप चाहे तो दोस्तों और इसके पीछे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि औसत बीच वाली संख्या होती है, और 51 के पहले क्या आ जाएगा दोस्तों 50 आ जाएगा, 50 के पहले क्या आ जाएगा दोस्तों 48, यानी जो चार संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है दोस्तों, 48 होगी, 50 होगी, 52 होगी और 54 होगी। आप चाहे तो इसे जोड़ के चार से भाग करके देख सकते हैं औसत 51 आ रहा है कि नहीं। 48 देखिए 52 48 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, और ये 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, और ये 54 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 204, कितना हो गया दोस्तों 204 हो गया। 204 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लीजिए, यानी चार ही संख्याओं का औसत है ना, तो 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा 4 5 20 4 1 4 यानी 51 आ जा रहा है कि नहीं, आ जा रहा है ना। तो इसका बड़ी संख्या इसमें पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या इसमें कौन होगी दोस्तों आप बताइए, 54 होगा, यानी 54। 54 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए एक बार और समझाता हूं, बस आपको समझ में आ गया है कि औसत बीच वाली संख्या आती है, और यहां पे सम संख्या कह रहा है, तो 51 के बाद अगला सम संख्या कौन होगा, चार संख्याएं हैं तो दो तो 51 के पहले होगी और दो 51 के बाद होगी, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या बोलेंगे, 51 के बाद 52 हो जाएगा, उसके बाद 54, बिना पेन उठाए आप ट्रिक कर देंगे 54 हो जाएगा। अगर दोस्तों छोटी संख्या पूछता है, सबसे छोटी संख्या, तब क्या होता, 51 के पहले कौन आएगी सम संख्या, 50 आएगी, 50 के पहले कौन सम संख्या आएगी, 48, सबसे छोटी संख्या पूछता तो 48, ठीक है। अगर दोस्तों इन दोनों का योग पूछे तो भी आप जोड़ के निकाल सकते हैं, इन दोनों का अंतर पूछे यानी कि डिफरेंस क्या होगा ये भी आप बता सकते हैं, इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसको बिना एक्स माने भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस मान लेना है कौन संख्या इसमें दे रहा है, वही बीच वाली संख्या है, और उसके अगल बगल आप निकाल सकते हैं, चाहे इसमें 10 संख्याओं का क्यों ना दे दे, 20 संख्याओं को दे दे, आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे और एक्स मान के सॉल्व करेंगे, और 10 संख्याओं का दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप ज्यादा टाइम लगेगा, इस प्रश्न को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आए तो बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी आपका एवरेज से ही रिलेटेड है, और इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 40 वर्ष है, यदि सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु की गणना करें। अब प्रश्न को दोस्तों थोड़ा सा समझिएगा, समझ लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है एक परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 40 वर्ष है, यानी 5 सदस्य है 40 वर्ष मान लिया जाए तो टोटल आयु इनका क्या हो जाएगा दोस्तों 4 5 20 200 वर्ष हो जाएगा, सबका आयु अगर जो जोड़ लिया जाए, औसत क्या होता है बीच वाली एक संख्या मान लिया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है 40 वर्ष के सब हैं तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों 40 बच्चे ये 200 यानी 4 बच्चे 20 200 वर्ष हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिए। और कह रहा है यदि सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों 12 वर्ष है, ठीक है 12 वर्ष है, तो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु की गणना करें। तो सबसे कम उम्र के सदस्य कौन होगा जो 12 वर्ष का है, यही ना है सबसे कम उम्र का, इसी के जन्म के समय पूछ रहा है। अगर इसका जन्म नहीं हुआ होता तब कितने लोग होंगे दोस्तों, तब 4 ही लोग होंगे, उस समय औसत क्या होगा परिवार की, ये चीज पूछ रहा है। देखिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु क्या है दोस्तों 40, तो हम क्या करेंगे 5 × 40 बराबर क्या हो जाएगा 4 5 20 यानी कि 200 वर्ष आयु का इनके योग क्या होगा दोस्तों 200 वर्ष। लेकिन यहां पे कह रहे यदि सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु है, तो सबसे कम उम्र का जब जन्म इसका हुआ होगा दोस्तों, देखिएगा
सबसे कम उम्र का कौन है? 12 वर्ष का है। इसके जन्म के समय पूछ रहा है, तो क्या होगा दोस्तों? 12 वर्ष घट जाएगा। 12 वर्ष सिर्फ एक ही सदस्य में नहीं घटेगा, 12 वर्ष जब हम पहले जाएंगे तो सभी सदस्यों में 12 12 वर्ष घटेगा। यानी पांच सदस्य है ना, तो पांचों सदस्य में 12 12 वर्ष घटेगा। तो 12 बच्चे दोस्तों क्या हो जाएगा? 60 वर्ष घट जाएगा जन्म के समय। तो 200 में से 60 वर्ष घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 140 वर्ष आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 12 वर्ष पहले पूछ रहा है, 12 वर्ष पहले क्या होगा? यानी कह रहा है सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय, यानी कि 12 वर्ष पहले। तो 12 बच्चे क्या हो जाएगा दोस्तों? 60। तब कितने लोग हो जाएंगे 12 वर्ष पहले? 12 वर्ष पहले हो जाएंगे दोस्तों 4 लोग हो जाएंगे। और आयु का योग क्या उस टाइम रहेगा? 140 रहेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 140 को 4 से भाग करेंगे, यही औसत आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 2 20, यानी 4 पच्चे 20 क्या हो गया दोस्तों? 35 वर्ष हो जाएगा। यानी कि सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी? 35 वर्ष। 35 वर्ष किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिएगा एक बार और समझाता हूं, ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है। पांच सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 40, यानी 4 पच्चे 20, दिमाग में ही आप जोड़ लेंगे, यानी कि ये 4 पच्चे 20 यानी कि 200 वर्ष हो जाएगा। और सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है, उसके जन्म के समय पूछ रहा है, यानी 12 पच्चे 60 साल घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 200 में से 60 घटा देंगे, 140 हो जाएगा। तब परिवार में कितने लोग होंगे दोस्तों? 4 लोग। 140 को 4 से जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 35 वर्ष आ जाएगा, यही उस समय परिवार की औसत आयु आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं, दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की ईबुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, चाहे एसएससी, चाहे अदर आप दोस्तों कोई सा भी एग्जाम देंगे। क्योंकि दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ईबुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरी लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों? आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा तो इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत ₹150 रखी थी, लेकिन मेरे कहने दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र ₹25 मिल जाएगी। इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं? तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू इस ईबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों इस ईबुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है। पॉपुलर क्वेश्चन कहने का मतलब है हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, और इसके लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है, अब प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न कह रहा है किसी बर्तन में दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण भरा हुआ है जिसमें पानी की मात्रा 20% है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लेंगे तो कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए कह रहा है किसी बर्तन में दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण है, किसका मिश्रण है? दूध और पानी का, दूध और पानी मिला दिया गया है, टोटल कितना है तो 60 लीटर है, कह रहा है भरा हुआ है, जिसमें पानी की मात्रा 20% है, पानी कितना है दोस्तों 20% है, कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। तो इसको दोस्तों देखिए, इसको सॉल्व करने का दो तरीका हो, एक होता है अलग अलग मात्रा निकाले, लेकिन अलग अलग दोस्तों मात्रा आप निकालेंगे तो प्रश्न बहुत ही बड़ा हो जाता है, सॉल्व करने में क्या होते हैं टाइम लगता है। तो इसको सॉल्व करने के एक शॉर्ट ट्रिक होता है, वो क्या होता है दोस्तों? देखिए टोटल मात्रा क्या है दोस्तों मिश्रण में? 60 लीटर, ठीक है 60 लीटर। इसको कह रहा है जिसमें पानी की मात्रा 20% है, कितना पानी मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा 25% हो जाए, 20 से क्या हो जाए दोस्तों 25 हो जाए, कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों
कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की। तो 60 × 5 बटा फिर क्या होता है दोस्तों, नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने होने हो जाए दोस्तों, ये 25 हो जाए। इसी को 100 में से घटा लेते हैं, 100 माइनस नए मिश्रण में पानी की मात्रा, 100 में से 25 दोस्तों घटा लेंगे तो क्या आएगा 75, 100 में से 25 घटाएंगे तो क्या होगा 75। बस यही होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार और समझाता हूँ। देखिए ये जो टोटल मिश्रण है 60 × 20 से कितना हो जाए 25 हो जाए, यानी कि 60 × 5 बटा में क्या होता है दोस्तों 100 माइनस नए मिश्रण में पानी की मात्रा, 100 में से 25 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा, 75। बस इसी को घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा आ जाएगी। 5 से 75 कितने बार में दोस्तों जाएगा, 5 से 75 जाएगा, 15 × 5 = 75, और 15 से 60 कटा लेंगे तो 15 × 4 = 60, मिलाई जाने वाली दोस्तों पानी की मात्रा क्या हो जाएगी 4 लीटर। 4 लीटर किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार और समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ज्यादा कुछ नहीं किया जाता। देखिए ये 60 लीटर दिया है मिश्रण, तो हम लिखेंगे 60 × 20 से क्या हो जाए 25 हो जाए, 20 से 40 होता तो क्या होता दोस्तों, 20 से 40 अगर जो होता तो 20 हो जाता, यानी कि इसका अंतर लेते हैं बस, 20 और 25 का अंतर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कह रहा है बटा में इसको क्या करते हैं, नीचे वाला जो देता है ना उसको 100 से घटा लेते हैं, जो ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा इतना परसेंट हो जाए जो कहता है उसको हम 100 से घटा के बटा में नीचे लिख देते हैं, 100 से इसको 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा, और 5 से 75 15 बार में, और 15 से 60 4 बार में, मिलाई जाने वाली जो होगी दोस्तों पानी की मात्रा वो हो जाएगी 4 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर दोस्तों आप मैथ बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों। आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ को जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो आपको थोड़ी सी भी मैथ में प्रॉब्लम होती है दोस्तों उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना होगा यहां पे प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर वाला सिंबल दोस्तों स्टेप से बना होगा यहां पे प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर के स्टेप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों यहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो इस टाइप से दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।